देश के प्रधानमंत्री वीआईपी कल्चर को नेताओं और मंत्रियों से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सूबे के अधिकारी हैं कि मानते ही नहीं। और अधिकारियों की ऐसी ही कारगुजारी की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्षी दलों से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ जाते हैं। गोरखपुर के मझगवां में शहीद साहब शुक्ल के घर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए प्रशासन द्वारा लाल कालीन बिछाने और केसरिया सोफा रखे जाने की कहानी तो आपको याद ही होगी। अब वाराणसी जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके लिए लाल कालीन बिछाया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पूर्वांचल के वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली जिलों में कई गांव डूब चुके हैं। वाराणसी में लगभग सारे घाट गंगा जल में समा चुके हैं। बाढ़ का पानी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक पहुंच चुका है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के इन तीनों जिलों का दौरा किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनडीआरएफ की रेस्क्यू बोट में बैठकर बाढ़ग्रस्त इलाके में दौरा किया और वहां के हालातों को जाना। लेकिन इसी बीच लाल कारपेट वेलकम वाली एक फोटो को लेकर अब मुख्यमंत्री विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। इस तस्वीर के जरिए विपक्षी योगी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस बात की चर्चा है कि जिस शहर में बाढ़ से काफी लोग प्रभावित हैं, लोग संकट में हैं, लोगों के पास ना घर है ना 2 जून की रोटी है, वहीं उस बाढ़ के पानी पर बने रैंप पर मुख्यमंत्री का रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है। हालांकि इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद बीजेपी नेता भी डिफेंसिव मोड में आ गए और खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बचाव में उतर आए। वाराणसी कैंट विधानसभा से विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने यूपी तक से खास बातचीत में कहा कि योगी जी की सरकार अखिलेश सरकार से काम के मामले में बहुत आगे है। उनकी सरकार में तो राहत का काम भी ठीक से नहीं हो पाता था। वहीं लाल कारपेट मामले पर उनका कहना है कि कीचड़ की वजह से टेम्पररी लकड़ी का पुल बनाया गया, जिस पर कीचड़ जमने का अंदेशा था, इसलिए कारपेट लगाया गया ताकि कोई दुर्घटना ना घट जाए। उत्तर प्रदेश में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करने सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के क्रम में जैसे वाराणसी पहुंचे, वैसे ही यह दौरा उनका उस समय विवादों में घिर गया जब रेड कारपेट से होते हुए उन्हें बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाते हुए देखा गया। इस पर लगातार विपक्षी निशाना साध रहे हैं। टीआरएस से लेके तमाम जो विपक्षी या गैर राजनीतिक दल इस पर निशाना साध रहे हैं। इस पर ज़्यादा कुछ जानकारी बात करने के लिए हमारे साथ इस समय उसी क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, जिस क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, दौरा किए थे और रेड कारपेट की बात आ रही है। सौरभ जी, तो क्या है ये पूरा मामला और क्या वास्तव में उनका स्वागत लाल कालीन बिछाकर किया गया था? आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 2013 में भी बाढ़ आई थी, 2016 में भी बाढ़ आई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बाढ़ से निपटने के लिए सरकार नाम की कोई चिड़िया भी होती है, किसी को दिख ही नहीं रहा था। सरकार कहीं थी नहीं मोर्चे पर। हम भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने पैसे से नाव किराए पर लेकर, अपने पैसे से राहत सामग्री खरीद कर, अपने पैसे से मिनरल वाटर खरीद कर, नाव पर किराए पे नाव पर लाद कर लेके जाते थे और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पहुँचाते थे। सहायता शिविर तो शायद बनाए ही नहीं जाते थे। 2020-21 में और 22 में भी बाढ़ आई, इतना अंतर दिखाई पड़ा। जगह जगह सहायता शिविर बन गए, जिनके घरों में पानी बने वहाँ शिफ्ट हो गए, जो लोग नहीं शिफ्ट हुए उनके पास सरकार ने पहुँचने के लिए नावों का प्रबंध किया, राहत सामग्री का प्रबंध किया। एक एक परिवार में जो राहत सामग्री दी गई, 3 गत्ते, एक गत्ता कोई 18-20 किलो का, एक गत्ता 10 किलो का, इसमें सब तरह का राशन, खड़ा अनाज, तेल, नमक, सारी चीज़ें। उसके बाद एक आलू की बोरी, हम लोग को उठा उठा के देने में मुश्किल होती थी, इतना भारी सामान सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए उपलब्ध कराया। मैं बता रहा हूँ कि 13 और 16 में जहाँ लाखों रुपए अपनी पॉकेट से खर्च हो गए, वहीं 21 और 22 में एक रुपया नहीं खर्च हुआ। जो सामान की जरूरत पड़ी वो सामान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने सब कुछ प्रबंध कर दिया। इतना सारा प्रबंध कर दिया और उसको देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन क्षेत्र में दौड़ते भी रहते हैं। कोरोना समय मैंने देखा, बुखार से आंखें उनकी एकदम लाल रहती थीं, लेकिन पैरासीटामोल खा के काम करते थे। इस बार भी क्या हुआ, बाढ़ के लिए आए, सबसे पहले 80 घाट से उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। उसके बाद वो गोयनका विद्यालय में गए जहाँ शरणार्थी शिविर बनाया गया था। उनके आने के ठीक कुछ समय पहले बारिश हुई थी,
और वहाँ जो लॉन का एरिया था जहाँ उनकी गाड़ी रुकनी थी वहाँ कीचड़ हो गया था, तो उस कीचड़ को खाली वो पार कर सके इसके लिए दो चार प्लाई बिछाई गई और वो 5 रुपये स्क्वायर फीट रेट वाली लाल रंग की मैटी होती है वो मैटी उस प्लाई के ऊपर बिछा दी गई, क्योंकि सिर्फ प्लाई बिछती है तो कई बार उसमें चोट भी लग जाती है। वो 5 रुपये स्क्वायर फीट की मैटी पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपनी मन की आंखें खोलें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लिए रात दिन जो किया उसे देखें। हमारा प्रदेश जो बीमारू राज्यों की श्रेणी में था आज प्रदेश के उत्तम राज्यों की श्रेणी में आ गया है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।